अभी बाबा साहब और गौतम बुद्ध जी का आपने नाम लिया, तो इसीलिए आप यहाँ बौद्ध विहार का निर्माण कर, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल, भी बहुत अपने आप में हाँ बहुत बिहार बहुत बना रहे हैं अनोखा और चीज है। बहुत बिहार बना रहे हो बढ़िया ढंग से। अभी क्या है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है, आदमी लोन पे डिपेंड हो गया है, तो क्या आपके प्लॉटिंग पे इस वाली साइट 11 बीघा की साइट है और ये बाबा साहब के भगवान बुद्ध के सपनों पर आधारित है। वो इस सिद्धार्थ डेवलपर्स ये लिखा भी उन्हें हुआ है। हाँ, प्रयास एक ऐसा हॉस्पिटल जो तुरंत अगर कोई दिक्कत हो तो उनको सुविधा मिले, एक ये भी प्रयास हमारा है। एक स्कूल 500 गज में देने का प्रयास कर रहे हैं बहुत बढ़िया। और हो सकता कुछ ऐसी भी चीजें हो जाएं जैसे स्विमिंग पूल, जैसा कि आपसे बात हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। देखो मैं खड़ा हूँ रोड पे, क्योंकि मैं रोड पे आ गया हूँ, लेकिन रोड पे इसलिए नहीं आया हूँ दोस्तों, जो आपको लग रहा है कि मैं रोड पे आ गया हूँ, मैं आपके मन की मुराद पूरी करने के लिए रोड पे आया हूँ। जरा इधर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं तो रोड पे हूँ, लेकिन शायद आपके सपनों का आशियाना आज आपको यहाँ मिल जाए, आपका वो सपनों का घर जो हमेशा आप अपने सपनों में डिजाइन किया करते हैं कि क्या कुछ है होना चाहिए हमारे घर में, क्या कुछ होना चाहिए हमारी सोसाइटी में, तो उस सपने को साकार करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। मैं दिखाता हूँ मैं हूँ कहाँ, और इतनी बड़ी सोसाइटी जो डेवलप की जा रही है वो किसके माध्यम से की जा रही है। तो सौरव आ जाए मेरे साथ, जरा दिखाइए आके, यहाँ पे ये लिखा है सिद्धार्थ डेवलपर्स। ये सिद्धार्थ डेवलपर के माध्यम से ये पूरी साइट डेवलप की जा रही है, बताया जा रहा है 11 बीघा की ये साइट है और वेल डेवलप्ड साइट बनाई जा रही है, जहां पर स्कूल भी होगा, यहाँ पर हॉस्पिटल भी होंगे प्रस्तावित है, यहाँ पर जिम भी प्रस्तावित है, यहाँ पर सुपरमार्केट भी हो सकती है और बहुत कुछ है। चौड़े रोड है, लिंक रोड भी बहुत चौड़े हैं, रेट भी रिजनेबल है, इसके लिए भी आप परेशान होने की कोशिश में मत रहिएगा। मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पे इनके मालिक तो नहीं मिले हालांकि, लेकिन उनके पिताजी मिले हुए हैं, तो आपको तो पता है अगर कोई बच्चा होता है तो उसके पिता को तो उसकी हर एक नस नस की जानकारी जब होती है, तो रेट रेट की जानकारी और जो प्लान है उसकी जानकारी तो होगी होगी। हमारे साथ शैलेन जी हैं। शैलेन जी स्वागत है आपका कबीर। धन्यवाद। ये पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप के सुपुत्र जी ने, आपके सुपुत्री जी ने इस तरह की ये साइट तैयार करी है, पूरी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत साइट है, और जिस तरह से 11 बीघा में बनाया है, बहुत ही उज्जवल कार्य किया गया है, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा थोड़ा सा ये बताइए कि है कहाँ पे, इसको मैं जानना चाहता हूँ, कौन सी जी जी रोड है, क्या रोड है। ये सर कानपुर देहात के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये हमारी बेटी का प्रोजेक्ट है और पिता के नाते मेरी अच्छा, बेटी का जिम्मेदारी, प्रोजेक्ट है। बेटी का प्रोजेक्ट है और पिता के होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि बेटी का अपने सहयोग करें। इस नाते हम यहाँ पे आ जाते हैं कभी कभार देखने, उसको गाइडलाइन देने के उद्देश्य से। तो ये 11 बीघा की साइट है और ये बाबा साहब के भगवान बुद्ध के सपनों पर आधारित है। वो इस सिद्धार्थ डेवलपर्स ये लिखा भी उन्हें हुआ है। हाँ, सिद्धार्थ मेरे घर में किसी का नाम नहीं है, भगवान बुद्ध का नाम है, बचपन का नाम है। अब क्योंकि बहुत सी प्रेरणा उन्होंने, बहुत सी शिक्षा दी, उसी के उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं, हमारी बेटी कर रही है। क्योंकि बच्चों को हमने इस ढंग से ढाला है, इस ढंग से पढ़ाया है कि वो हमें उन लोगों के लिए भी काम करने जरूरत है जिनके पास कोई चीज नहीं है। इसको रिजनेबल रेट पे हम लोग प्लान लॉन्च किया है। आज की तारीख में आप देख रहे हैं या 30 हजार थोड़ा 40 हजार दिखाइए रुपए सौरभ, गज पूरे जमीन बेच रहे हैं लोग। जगह को दिखाते रहिए, मैं सर से उस बात करता जगह पे रहूं। हम 7-8 हजार रुपए गज में इसको जमीन को दे रहे हैं, वो पूरा डेवलप करके दे रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें 1 हजार गज में कम्युनिटी हॉल होगा, जिम होगा, बौद्ध विहार होगा, स्कूल होगा और ये सड़कें इसमें जो हमने 25 फुट और 40 फुट की सड़कें दी जा रही हैं, जिसमें आरसीसी रोड होगा, पूरी सड़कें आरसीसी होंगी और सड़क से जो मेन रोड से हम 1 फीट ऊपर उसको आप देख रहे हैं कि उसको डेवलप कर रहे हैं। नालियां और सीवेज का नालियां क्या और है? सीवरेज नालियों का भी पूरा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। कोशिश प्रशासन के सहयोग से ये होगी कि यहाँ सीवरेज का भी चूंकि आसपास है नहीं तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बाकी सब चीजों को हम लोग जो हर घर को नल का सपना मोदी जी की सरकार का है तो उसको भी हम मदद लेने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ भी नल की सुविधा भी लोगों को मिल जाए। अच्छा, नल का भी होना चाहिए हाँ नल का भी होना चाहिए, जिसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। और रेट जो होते हैं ना वो वैरी करते हैं हर जगह, तो जो 40 फीट पे अलग रेट है या 25 फीट पे है या मेन रोड है उस पे अलग अलग कुछ रेट है, ऐसा कुछ बना हाँ रखा है थोड़ा वैसे? सा है मेन रोड पे, क्योंकि हर व्यक्ति की डिमांड मेन रोड पे होती है और सबको उपलब्ध कराने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा अंतर रहता है जो कॉर्नर के प्लाट है। और बाकी लगभग हम 7-8 हजार रुपए में बाकी दे रहे हैं, फ्रंट पे 10 हजार रुपए में है और पूरा डेवलप करके देंगे। पूरी सड़कें बनी होंगी, बिजली की पूरी व्यवस्था होगी, पूरा
पूरी कॉलोनी सीसीटीवी से कवर होगी, पूरी सीसीटीवी से कवर होगी। हाँ हाँ, बाउंड्री से कवर कर दिया है, गेटेड गेट होगा और पूरी हरियाली भी हम चारों तरफ पेड़ पौधे लगाकर मतलब प्रयास ये करेंगे कि ऐसी कॉलोनी हो जो देख के लोगों को यह एहसास हो कि हाँ हम लोग भी अच्छे तरह के रह सकते हैं, अच्छे ढंग एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध का नाम जोड़ा है तो उनके नाम को हम धूमिल नहीं कर सकते, इसलिए हमारा प्रयास है कि एक बेहतर कॉलोनी के रूप में इसको हम डेवलप करें और एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि हम कम पैसे में भी अच्छी चीजें बनाकर दे सकते हैं। हम इसको लगभग 9 लाख प्रॉफिट पे और कुछ परसेंट मार्जिन पे ही काम कर रहे हैं जी। और ये एरिया जो है पूरा आप देख रहे हैं कि सिवली इससे मेन रोड से लगा हुआ है, मात्र 300 मीटर की दूरी पे है। कल्याणपुर से इसकी दूरी 9.5 किलोमीटर है, निकट में 1.5 किलोमीटर पे कल्याणपुर से कितनी दूरी है? 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर, हाँ जी जी जी। और रिंग रोड 1 किलोमीटर के अंदर करीब आधा किलोमीटर, हाँ आधा किलोमीटर के आसपास रिंग, आधा से 1 किलोमीटर के अंदर में रिंग रोड आ रहा है, जिससे हम मंदना भी 4 मिनट भी यानी 4 किलोमीटर पे दूरी पर मंदना हो जाएगा। और यहाँ पे पास में 1 किलोमीटर के रेंज में 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, फन सिटी बनने का है। तो आप भी दे रहे हैं? हाँ हॉस्पिटल हम भी दे रहे हैं, लेकिन उतना बड़ा नहीं दे रहे हैं, 500 बेड का बन रहा। हमारा भी प्रयास है एक ऐसा हॉस्पिटल जो तुरंत अगर कोई दिक्कत हो तो उनको सुविधा मिले, एक भी प्रयास हमारा है। एक स्कूल 500 गज में देने का प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ ऐसी भी चीजें हो जाएं जैसे स्विमिंग पूल, जैसा कि आपसे बात हुई है, हम प्रयास करेंगे कि ये सब चीजें भी बजट के अंदर ही हम इस पर देने का प्रयास करेंगे। इतनी खूबसूरत सोसाइटी आप बना रहे इसी बजट में देने की, लगभग है कितने प्लाट ये तो बताइए? इसमें लगभग ये 27,000 गज में पूरी टाउनशिप है, इसमें 18,000 गज में हमने इसको उसके प्लाटिंग का एरिया है, और इसमें 100 गज से लेके जितना भी उसके बाद जितना भी व्यक्ति चाहे अपनी सुविधा अनुसार जमीन ले सकता है, उपलब्ध है। सबसे छोटा प्लॉट कितने गज का? सबसे छोटा प्लॉट हमारा लगभग 90 गज का है। क्या डायमेंशन है लगभग? उसमें भी हम फ्रंट 20 फीट का फ्रंट दे रहे हैं। हाँ 20 फीट का फ्रंट दे रहे हैं। हमारे जितने भी प्लॉट हैं हमने कम से कम 20x45 या 25x45 हमने कोशिश ये की है कि फ्रंट अच्छा रहे, लोगों का लुक। फ्रंट भी बहुत अच्छा है, फ्रंट भी ना, फोर व्हीलर लोगे, गाड़ी लोगे, छोटे 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 प्लॉट में भी फ्रंट हमने अच्छा दिया है। हमारा प्रयास है कि जो लोग छोटे मकान रहते हैं उनका फ्रंट कम होता है, उसमें प्रयास किया कि 125 गज प्लाट में 25 फीट का फ्रंट मिले और 100 गज के प्लाट में भी 20 फीट का फ्रंट मिले, ऐसा प्रयास। एक वो परंपरा है ना कि चाहे बुद्धिस्ट हो या कोई भी हो कि उद्घाटन हुआ है कि नहीं हुआ, अभी तो उद्घाटन नहीं हुआ लेकिन आपके यहाँ बुकिंग हो चुकी है, मुझे पता है। हाँ बुकिंग लगभग हमारे पास 25% ज्यादा बुकिंग हो चुकी है, 75% हाँ 75% फ्रंट में लगभग 4-5 प्लॉट बचे हैं, कॉर्नर तो अंदर 1-2 प्लॉट बचे हैं, बाकी लगभग बुक हो गया है। ये समाज का सहयोग मिल रहा है क्योंकि समाज के सहयोग से हमने साइट को तैयार किया है। उसके हाँ उसके लिए हम उन साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि जब हम ये जमीन ली नहीं गई थी उस समय भी लोग सहयोग के लिए खड़े हुए, उन सभी को हम आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहेंगे। इस जमीन पे जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ठीक है, सारी चीजें हैं, सारी चीजें मेंटेन हो रही हैं, कुछ किसी एक विशेष समुदाय गरीब समुदाय के लिए क्या कुछ छूट का प्रावधान रखे हैं कि चलिए ठीक है इतना है तो इतना निगोशिएबल हो जाए? बिल्कुल। हमारा प्रयास ये है कि उनके लिए हम 15-20% की छूट का भी हम रखेंगे। और हमारा बता जैसे आपको बताया कि हमारा बहुत ज्यादा इससे प्रॉफिट का उद्देश्य नहीं है, एक सिस्टम को देना है, क्योंकि आने वाले वक्त में रोजगार की कमी हो रही है, हमारे लोग भी रोजगार के क्षेत्रों में आए, इसका प्रयास कर रहे हैं कि लोग इसके माध्यम से इसी तरह से अगर कोई अकेले नहीं कर सकता तो एक ग्रुप बनाकर काम कर सकते हैं, इसका भी हम मतलब एक रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है, आदमी लोन पे डिपेंड हो गया है, तो क्या आपके प्लॉटिंग पे इस वाली साइट पे लोन की सुविधा? हाँ लोन की सुविधा अभी भी है और इसको हम आवासीय के लिए हमने दे दिया, शीघ्र आवासीय भी हो जाएगा, इसका लेआउट भी पास हम जिला पंचायत से कराएंगे, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत असुविधा हमारे लोगों को जो लोग ले रहे हैं उसको नहीं होगी, ऐसा मेरा वादा है, हमारी बेटी का वादा है। आपका वादा है, आपकी बेटी जी का, दोनों लोगों का ये वादा है कि साइट पे किसी भी तरह की कोई भी समस्या और दिक्कत नहीं होने वाले। कमजोर वर्ग वालों के लिए भी एक रियायत है कि 10-15% तक की आप छूट देंगे, कुछ मार्केट का प्लान है क्या कि सारी सब्जियों का मार्केट? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, एक यहाँ पे एक मार्केट भी बनाएंगे सुपर मार्केट के रूप में, जिसमें दूध अंडा सब्जी से लेके हर जरूरत की सामान उपलब्ध हो, ये भी हम करेंगे। दूध अंडा सब्जी की बात है तो पचाने के लिए जिम? हाँ जिम भी बिल्कुल जिम, हाँ बिल्कुल जिम भी अच्छा बनेगा और लाइब्रेरी भी होगी, लाइब्रेरी भी होगी जी बिल्कुल, लाइब्रेरी होगी, बढ़िया लाइब्रेरी होगी। तो मतलब आप आइए खरीदिए, समय रहते बनवा लीजिए, बनवाने के बाद आप बस अंदर हो जाया कीजिए, इन और आउट के लिए आपको सोचना पड़ सकता है कि भाई बाहर जाएं कि ना जाएं, क्योंकि सारी चीजें तो यहीं पे हैं,
तो इतनी अच्छी साइट के लिए आपको मैं फिर से एक बार शुक्रिया कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सर का नंबर क्या है एक बार आप बोल दीजिए, और दूसरा ये है कि मैं मेंशन भी कर दूंगा नीचे कि इस पे आप बुकिंग करा लीजिएगा। अब नंबर के लिए हमारे छोटे भाई जितेंद्र जी से आप लोग संपर्क करें, जितेंद्र जी छोटे भाई, नंबर नीचे मेंशन कर दूं, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा बेटी का है तो नंबर आप ही सब लोग, चूंकि सोसाइटी का है, समाज के लोगों की जमीन है ये, इसमें हमारा लेना देना बहुत ज्यादा है नहीं, सिर्फ मैं सुपरविजन करने आता हूँ। तो जो बेटी का नंबर बता दें, बेटी का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा कि उसमें कोई वो नहीं है। तो हमसे बात करने की, और इतनी सुंदर साइट जो बहन ने हमारी दी है उसको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आपको इतनी जानकारी जो उनके बिहाफ पे आपने बताई है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। थैंक यू, थैंक यू। हाँ सही बात है। देखिए कंस्ट्रक्शन के बिहाफ में अभी चाचा ने जैसे बताया कि अक्सर क्या नाम सुनते हैं, सिर्फ पुरुष पुरुष पुरुष, इसके अलावा कोई नाम आपने नहीं सुना होगा कि कोई महिला भी कंस्ट्रक्टर होगी या डेवलपर होगी या प्रॉपर्टी डीलिंग होगी। तो आपकी परवरिश का यह नतीजा है, आपके साहस, आपने जो साहस दिया उसका यह नतीजा है कि हमारी बहन भी इस फील्ड में आ रही है। ये मेरे ख्याल से एक अनूठा एग्जाम्पल होगा अपने आप में भी। एक आपने सुना कभी ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हमारा प्रयास है, चूंकि भगवान बुद्ध ने दिखाया रास्ता, और बाबा साहब ने चूंकि महिला और पुरुषों में कोई अंतर नहीं रखा, उन्होंने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, और बाबा साहब ने तो 1955 में कानून मंत्री से महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए छोड़ा था, तो हम लोग महिलाओं को ज्यादा वरीयता देते हैं और बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको भी किसी तरह से कोई दिक्कत किसी तरीके से पीछे ना, किसी भी कारण पीछे ना हो, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अभी बाबा साहब और गौतम बुद्ध जी का आपने नाम लिया, तो इसीलिए आप यहाँ बौद्ध विहार का निर्माण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अनुकूल, और बौद्ध विहार बना रहे, बढ़िया ढंग से बौद्ध विहार बनेगा, बढ़िया बौद्ध विहार। मैंने आपसे पहले ही कहा था आप इन तो कर लीजिए, आउट होने का कोई चांस नहीं है यहाँ से। जब कोई बहुत जरूरी काम हो अपने नौकरी पे जाए तभी जाए। तो ऐसी और साइट्स के लिए और आपको अपनी अन्य साइटों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बिटिया को भी बहुत बहुत, बहन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहे कबीर न्यूज के लिए, ऐसी और खबरों के लिए नमस्कार।